अरुणशभ्य महाराज श्री पुरुषोत्तम के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों को निरंजन हार्दिक स्वागत करता है एवं प्रणाम करता है। आपके दर्शन का, महाराज श्री के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। यह भी कोई पूर्वजन के पुण्य इस भूमि में आना हुआ और आपका दर्शन हुआ। अचानक यूट्यूब में देखते देखते महाराज श्री का प्रवचन सुनने का मौका मिला। और प्रवचन तो बहुत होते हैं, लेकिन एक शुद्ध वस्तु आत्मा पर ही कोई बिना ग्रंथ के सहारे, नहीं तो हर महात्मा के सामने कोई पुस्तक होती है, चाहे वो रामायण हो, भागवत हो, वेद हो, उपनिषद हो, उसके माध्यम से फिर वो बोलते हैं। पर महाराज श्री की तो ये विशेषता देखी थी, बिना कोई ग्रंथ का सहारा लिए और लगातार उसी एक ही बात को हजारों तरीके से निश्चय कराया जा रहा, कोई निर्दय की व्यर्थ की बात भी सुनने को नहीं, केवल आत्मा। मुझे आश्चर्य हुआ कि केवल आत्मा में विषय पर बोलना बहुत आश्चर्य है। हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक अनात्मा से हटकर आत्मा की ओर आता है, नहीं तो सारे संसार के लोग अनात्मा की तरफ दौड़ रहे, चाहे वो स्वर्ग हो कि वैकुंठ हो कि चाहे कोई अष्ट सिद्धि नौ नित्य हो, सब दौड़ कर भाग रहे। पर कोई भाग्यशाली पुण्यशाली बाहर से लौट कर अंतर्मुखी होता है और फिर उस पर विचार करता है। विचार करके बोलने का भी सहारा से समय नहीं होता है। आत्मविषय पर कोई एक उस पर विचारता है और बोलता है और उसके बताने की युक्तियां भी ऐसी विलक्षण होती है कि वो भी आश्चर्यजनक, श्रोता भी उसके सुनने वाले आप जैसे आश्चर्यजनक ही होते हैं। सब कोई उसको सुनते नहीं, इतना बड़ा देखो गांव, इतना प्रचार और कितने प्रेमी लोग आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन यह आत्म तत्व ऐसा ही है, कोई एक भाग्यशाली इधर विचारता है और कोई एक विचार करके फिर उसे समझाता है और उसको सुनने वाले भी आश्चर्यवत है और सुनकर भी कोई कोई एक उसको धारण करता है। उस आत्म तत्व को आप यहाँ सुनते हैं, आपका बहुत बहुत पुण्य है और महाराज श्री की दया है, कृपा है, जो आपको सुबह शाम कभी कभी तीन तीन बार भी निष्ठान भाव से सुना रहे हैं। कहा भी है किसी ने कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, बहुत अच्छी बात हो गई तो हमारे काम की, लेकिन नहीं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को सर्वस्व दे, ये भाव अंदर से अर्पणता का होना ही चाहिए। संसार में तो हम कितने शादी है, कोई जन्मदिवस है, कोई उत्साह मकान का उद्घाटन करना है, तो कितने हजार लाख रुपया खर्च कर देते हैं, उधार लेकर भी कर देते हैं। और परमार्थ के अंदर हमारे आता है, हम कहां से दे, हम आप जो देते हैं हम उसी से चलते हैं, हम आपको क्या दे, बहाना बना लेते हैं, संसार में लाखों खर्च कर देते हैं, अध्यात्म में कृपण हो जाते हैं। तो आप लोगों की उदार वृत्ति से ही यहाँ का कार्यक्रम चलता है, आश्रम का विकास होता है, प्रेमी लोग आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, सारी सेवाएं उपलब्ध होती है घर जैसी। और मैं तो आभारी हूँ इस स्थान का, महाराष्ट्र का, प्रेमियों का, जो उन्होंने यहाँ पर हमको 10 दिन के लिए स्थान दिया, अमृत वचन सुनने को मिले। और अभी मुझे कहना तो ऐसा लग रहा है जैसे दिव्यमान सूर्य के सामने एक छोटी सी कोई दीपक मोमबत्ती वो क्या प्रकाश करके है, अपना ही अपमान है। तो इसलिए मुझे बोलने के लिए तो अधिकार नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा हुई है तो
जो शब्द मैंने कह दिया। लेकिन एक और बात कह देता हूँ कि उस सत्य के लिए कभी निराश न होना। सत्य कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। संसार, अनित्य, स्वर्ग, वैकुंठ ये सब प्राप्त करने की वस्तु है और जो जो भी प्राप्त होता है सब नाशवान है। स्वर्ग में आप पुण्य करके जाएंगे तो कहता है के तम भुक्तम सर्वलोकम विशालम चीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना कतम कतम गता गतम काम कामानुवन्ते। ये स्वर्ग में जाने वाले सकामी भक्त अपने पुण्य समाप्ति पर फिर नीचे गिरेंगे। जैसे आप भूख लोग खेलते हैं, पैसा है खर्च कर लो, फिर उसके बाद में बाहर निकलो, पैसा नहीं है। आप ब्रह्मलोक चले जाते हो भक्ति करके, ढेर भक्ति करके कि वो और है और मैं और हूँ। जब तक ये द्वैत भाव वैलिडिटी है तब तक मोक्ष की आशा, कल्याण की आशा कभी मत करना। उसको भगवान ने कह दिया आओ ब्रह्म भूना न लोका पुनरावर्ति नो अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो भेद उपासना करने वाले हैं कि वो और है और मैं वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, वो मेरा मालिक है, मैं दास हूँ, वो प्रीतम है, मैं प्रीतम, किसी भी प्रकार की ये जो भक्ति करते हैं अच्छी बात है। ये भक्ति की बात अच्छी है लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण का मार्ग तो तभी होगा जब मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और वेद कहता अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म। और गुरु कहता है कि जिस सत्य को खोजने आप लोग या हम लोग आए हैं, महाराज जी कहते तत्वमसी है, वो तू है, वो तू है, कोई तुझसे अन्य भिन्न नहीं, वो पाने की वस्तु नहीं है, केवल जानने की है। केवल जानो, जानो, जानो तो तुम्हें तुम्हें हो जाए। उसको जानकर वही होता है जो पहले से ही है। ज्ञान के द्वारा वही चीज होती है जो पहले से होती है, कर्म के द्वारा वह चीज होती है जो पहले से नहीं होती है। इसलिए कर्म का कर्तव्य को जो भी चीज मिले सब नाशवान है। कर्म के पांच उपयोग होते हैं, कर्ता व्यक्ति जो भी कर्म करता है, प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। कर्म करने वाला बस इन पांचों पांचों क्षेत्र में जा सकता है, या तो प्राप्त करेगा, या उत्पत्ति करेगा, या विकार करेगा उस वस्तु में, या संस्कार डालेगा, या उसका नाश करेगा। पर ये परमात्मा का मार्ग, इसमें ना प्राप्ति की जरूरत है, ना उत्पत्ति की जरूरत है, ना विकार की जरूरत है, ना संस्कार की नाश की। प्राप्ति तो उसकी करना पड़े जो पहले से प्राप्त ना हो। परमात्मा को नित्य प्राप्त सबका अपना स्वभाव है। संपत्ति भी मत देना क्योंकि संपत्ति हम उससे अलग होती है, मकान उससे अलग है, धन अलग है, मैं मेरा स्वस्वरूप है। तो परमात्मा के लिए प्राप्ति भी नहीं करना है, परमात्मा की उत्पत्ति भी नहीं होती है क्योंकि अजन्मा है। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका फिर नाश हो जाएगा। अगर तुमने भगवान को उत्पन्न कर लिया ध्यान में कि सामने भी, वो भी नष्ट हो जाएगा। मुक्ति भी अगर प्राप्त की है तो नष्ट हो जाएगी, ये प्राप्त में पदार्थ नहीं। तो परमात्मा के लिए ना प्राप्ति कर, ना उत्पत्ति, ना विकार, क्योंकि विकारी वस्तु साकार होती है। परमात्मा तो व्यक्ति नहीं, शक्ति है, निराकार है। निराकार में विकार कैसे करोगे? आकाश में गोली मारो, आकाश में तीर लगाओ तो क्या टुकड़े होंगे? क्योंकि वो निराकार निरवय है। ऐसे अपना आत्मा भी निराकार और निरवय, इसमें विकार का भी गुंजाइश नहीं। अब रहा संस्कार की बात, तो महीन वस्तु होती है वहां शुद्धि संस्कार की जरूरत है। परमात्मा तो नित्य शुद्ध है, उसके लिए कहीं से चंदन लाना, कि पुष्प लाना, कि दूध लाना, कि ये बाह्य कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में ये भक्ति मार्ग में करे कि ज्ञान मार्ग में आते हैं परमात्मा के तरफ, तो संस्कार की भी जरूरत है। अब आया नाश की बात, किसका नाश करना है? तुम्हारे और हमारे परमात्मा के बीच में कौन रुकावट करता है? न पिता, न माता, न पति, न पत्नी, न पुत्र, न धन, न संपत्ति, न किसी प्रकार का विकार करता है तो केवल एक अज्ञान। बस अज्ञान के कारण अप्राप्त पदार्थ हमें भिन्न सा मालूम पड़ता है कि हम साधन करके तीर्थ में जाकर या कोई प्रकार के कहीं जाकर साधन करके पाएंगे। परमात्मा और आपके बीच में अगर वो कारण एकमात्र है तो अज्ञान की, और परमात्मा
और कहीं पर जिनका परमात्मा अपने से दूर है उनके मार्ग में रुकावट है, पैसे की रुकावट है, शरीर की रुकावट है, स्वास्थ्य की रुकावट है, संबंधियों की रुकावट है, कोई अन्य मुसलमान है वो आगे आ जाएगा, रुकावट डालेगा। पर परमात्मा तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, स्व सत्ता भी नहीं स्वरूप है, वहां तो केवल अज्ञान की बात है। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होगा, ज्ञानादेव तो केवल वेद देता है, ज्ञान मोक्ष पर वेद बताना नहीं बच दुर्लभ ज्ञान समाना। तो ज्ञान को ही पाने में रुचि करें और वो ज्ञान भी किसी अन्य का नहीं अपना ही। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मेरे द्वारा जो कुछ भी भूल हो गई है, गलत समझ में आपको दिया है तो मुझे क्षमा करें, महाराज से क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने मुझे अपात्र को भी इस युग बनाकर तहने का मौका दिया, मुझे उसके लिए क्षमा करें। एक प्रार्थना कर लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे